दोस्तों अक्सर लोगों के मन में यह बात जरूर होती है कि रिवॉल्वर ज्यादा घातक हथियार है या पिस्टल। दोस्तों इस वीडियो में हमने रिवॉल्वर पिस्टल के साथ साथ देसी कट्टे को भी शामिल किया है क्योंकि भारत में ज्यादातर इन्हें तीनों छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमने देसी कट्टे को इसलिए शामिल किया है क्योंकि भारत में यह एक मुसीबत बन के उभर रहा है। ज्यादातर आपराधिक घटनाओं में देसी कट्टे का ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी होती है और क्या यह रिवॉल्वर पिस्टल की तुलना में ज्यादा घातक हथियार है। क्योंकि कट्टा एक अवैध हथियार है तो इनके आंकड़े ऑफिशियली नहीं होते हैं, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों भारत में 32 बोर आसानी पिस्टल, 32 बोर IUF रिवॉल्वर और 315 बोर कट्टे छोटे हथियारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तीनों हथियारों में प्रयोग किए जाने वाले बुलेट के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं 32 बोर रिवॉल्वर की। इसकी बुलेट सॉफ्ट न्यूज 7.5 mm मोटी, 15 mm लंबी, जो बैरल से 750 फीट प्रति सेकेंड की रफ्तार से निकलती है, जिसका वजन 6.5 ग्राम और 30 मीटर के अंदर 130 फुट पाउंड का डैमेज देती है। तो वहीं 32 बोर पिस्टल की बात करें तो इसकी बुलेट हार्ड न्यूज 7.5 mm मोटी, 12 mm लंबी, जो बैरल से 1000 फुट प्रति सेकेंड की रफ्तार से निकलती है, जिसका वजन 4.5 ग्राम होती है, जो 20 मीटर के अंदर 150 फुट पाउंड का डैमेज देती है। अब आप सोच सकते हो कि रिवॉल्वर की तुलना में पिस्टल की गोली ज्यादा घातक होती है। अब बात करते हैं उस अवैध हथियार की जिसने न जाने कितनों की जिंदगी तबाह की है। दोस्तों 315 बोर्ड बुलेट 32 बोर्ड की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका वजन 16 ग्राम और लंबाई 50 mm की एक बड़ी बुलेट होती है, जिसे 0.315 कैलिबर के राइफल में प्रयोग किया जाता है। जब इसे छोटी बैरल के हथियारों में प्रयोग करते हैं तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी ज़्यादा प्रेशर होने के कारण कट्टे की बैरल तक फट जाती है, जिससे इसे चलाने वालों की जान तक जा सकती है। बात बुलेट की पावर की करें तो राइफल की तुलना में छोटी बैरल होने से इसकी गोली की रफ्तार आधी हो जाती है और कट्टे के बैरल में ग्रिप्स भी नहीं होती, जिससे इसकी रेंज और भी आधी हो जाती है। दोस्तों 75 मीटर रेंज यानी 130 मीटर और बैरल में ग्रिप्स न होने का आधा यानी 65 मीटर और डैमेजिंग फोर्स 2100 फीट पाउंड की एक चौथाई यानी 500 फीट रह जाती है, जो रिवॉल्वर और पिस्टल की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा रहती है। दोस्तों कट्टा एक गैर कानूनी हथियार है जिसे रखने से आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों के जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं, तो प्लीज ऐसी चीज़ों से दूर रहें।